हलवाई तो क्या करते हैं, कलर भी डाल देते हैं। और जैसे रात को भिगो के बनाएंगे ना तो कलर बिल्कुल रेड आएगा। थोड़ी सी इसमें सौंफ डाली है, सौंफ का टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे हम बाजरे के आटे के पकोड़े बना रहे हैं, उसके लिए हमें सामग्री चाहिए। बाजरे का आटा, हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, कटी हुई पालक, हल्दी, लहसुन, कटी हुई प्याज, धनिया साबुत, लाल मिर्च, नमक और साथ में कुछ आलू। अभी बाजरे के आटे के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डालूंगी आटा बाजरे का, उसके बाद लहसुन का पेस्ट, ये दरदरा धनिया, बारीक कटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से पहले बाजरे को इसी में देखना है, थोड़ा पानी ऐड करने की जरूरत है नहीं तो पालक के पानी में ये इसका घोल तैयार हो चुका है। इस घोल को थोड़ा सा हमें ज्यादा फेंटना पड़ता है क्योंकि बाजरा थोड़ी देर में जुड़ता है। तो मैंने तेल को थोड़ा गरम करके और फिर ठंडा कर दिया था क्योंकि अचानक गरम तेल में डालूंगी तो ये फट जाएंगे पकोड़े, क्योंकि बाजरा होता है वो बिखर जाता है। और जैसे गरम को तेल को गरम किया और उसके बाद ठंडा कर दिया, अब गैस जला के जब मैंने पकोड़े डाले तो बिल्कुल मध्यम था वो, ना गरम ना ठंडा, क्योंकि अगर ठंडे में ही डालेंगे तो फिर गैस में बदबू आएगी, तेल में जैसे कच्ची बदबू आती है ना, वो चीज नहीं आएगी अब क्योंकि तेल पक चुका था। नमस्कार, मेरा नाम राधा देवी है और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे युवा जागृति संस्थान पर नाबार्ड के सौजन्य से आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को मिलेट्स के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको मिलेट्स के नए नए व्यंजन बनाना सिखाते हैं। और इस यहाँ पर मैं एक ट्रेनर के रूप में कार्य कर रही हूँ। मुझे बहुत ही हर्ष होता है कि जो हमारे डीडीएम साहब प्रदीप चौधरी जी और एलडीएम साहब, उन्होंने कल इसका उद्घाटन किया और हमने 90 महिलाओं का 3 बैच बनाया अलग अलग करके, और आज हमने उनको मिलेट बाजरे के पकौड़े बनाने सिखाए, तो उससे महिलाओं के चेहरे पे जो हर्ष था, जो खुशी थी, वो देखने लायक थी। महिलाओं ने बहुत ही खुश होकर उनको सीखा भी। हमने विधिवत तरीके से उनको पहले विधि लिखनी सिखाई, विधि लिखकर फिर हमने उन लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रत्येक महिला ने अपना योगदान दिया, हर महिला ने बना के देखा, करके देखा, उन सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हम लोग जो बेसन का पकौड़ा बनाते थे वो खाते भी नहीं थे, वो हाथों पे चिपकता है, बाजरे का चिपकता नहीं है, खाने में भी उससे ज़्यादा क्रंची और टेस्टी है। तो ये बात अगर 90 महिलाओं तक पहुँची है तो मैं समझती हूँ कि एक महिला से कम 5 महिलाएं तो जुड़ी होंगी, और ये एक बात हमने 5 महिलाओं तक पहुँचा दी तो हर घर में मिलेट्स पहुँच जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा जरिया है लोगों तक मिलेट को पहुँचाने का। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी युवा जागृति संस्थान और डीडीएम साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद नाबार्ड।